देहरादून से बड़ी खबर, भू कानून पर सीएम की उच्च स्तरीय बैठक, कमेटी की रिपोर्ट आने पर जमीन की खरीद पर रोक लगाई गई है। तो मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं, रिपोर्ट आने तक बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं मिलेगी। भू कानून के लिए कमेटी बनाई गई है और बड़े पैमाने पर जन सुनवाई करे वो कमेटी। तो मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है इसको लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि शासकीय आवास में भू कानून के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक का लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लेंगे। तो ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री धामी के अकाउंट से, और भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय भी भू कानून के लिए ली जाए। तो वहीं उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बाहरी लोगों की खेती की जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिससे लैंड जिहाद जैसे मामलों के बीच धामी सरकार के इस फैसले पर चर्चा तेज हो गई है। नौ वर्ष पर धामी का आदेश, बाहरी लोग नहीं खरीद पाएंगे जमीन। उत्तराखंड में अब बाहरी लोग कृषि कार्य और उद्यान लगाने के लिए जमीन नहीं खरीद पाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सख्त भू कानून की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक सख्त कदम बढ़ाया है, और जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जमीन खरीदने की परमिशन जिलाधिकारी अभी तक बाहर के राज्यों के लोगों को देते थे, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सीएम धामी के आदेश के तहत बाहरी लोगों की कृषि और उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि सरकार की ओर से जारी इस आदेश के संबंध में कहा गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश हित और जनहित में ये निर्णय लिया गया है। सीएम धामी ने एक्स पर लिखा, शासकीय आवास पर भू कानून के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भू कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या फिर अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लेंगे। भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। भू कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए। हम प्रदेश वासियों के हितों के लिए कार्य करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भूमि खरीदने से पहले खरीदार की पृष्ठभूमि के सत्यापन के उपरांत ही उसे इसकी अनुमति देने के निर्देश दिए थे। उत्तराखंड में लैंड जिहाद से संबंधित मामलों को लेकर लगातार माहौल गरमाया हुआ है। लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर लगातार ध्वस्तीकरण में लगा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड में अब तक करीब 500 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। धार्मिक अतिक्रमण हटाने के तहत अब तक 400 से अधिक मजारों को तोड़ दिया गया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद प्रदेश भर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। इसमें भी वन विभाग की भूमि पर बनी मजारों को हटाने के लिए विभाग पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहा है। वन विभाग की कार्रवाई के चलते कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अतिक्रमण से मुक्त किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को आदेश दिए थे कि बाहरी व्यक्तियों का लगातार सत्यापन अभियान चलाया जाए, किरायेदारों का भी नियमित सत्यापन किया जाए, इस कार्य में लापरवाही करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भू कानून के लिए बनाई गई समिति की ओर से बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड में 12 सितंबर 2003 में पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं है, उनको कृषि एवं औद्योगिकी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की जिलाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जब तक अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी की कोई रिपोर्ट सख्त भू कानून के तौर पर नहीं आ जाती और एक समुचित और एक बड़ा समाधान इस मामले में नहीं कर लिया जाता, जिसके लिए यहां का यूथ लंबे समय से मांग कर रहा है, तब तक जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की भूमि है उसके बाहरी व्यक्तियों के खरीदने पर भी रोक रहेगी। उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है
जब कड़े भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में लोग आंदोलन कर रहे हैं। राज्य के लोगों की मांग है कि इस संबंध में 1950 को कट ऑफ तारीख मानी जानी चाहिए। टीम न्यूज़ स्टेट।